तो हमने लास्ट लेक्चर तक हमने कुछ मिडिल क्लास स्प्लिटिंग के बारे में बात कर ली और कुछ बेसिक चीजों की बात कर ली हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, ठीक है। नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या होता है, कैसे यूज करते हैं और क्या इसका यूसेज है, वो हम सब इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। तो ये एक मेथड होता है बेसिकली, ठीक है। और इससे होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। इससे होता यह है कि हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ना फैक्टर्स बना पाते हैं, ठीक है। जो इक्वेशन हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से या किसी और मेथड से यू सॉल्व नहीं कर सकते, उन इक्वेशन को हम इस मेथड से इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब आप सोचोगे कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, कौन सी इक्वेशन है, ठीक है। तो मैं आपको एक सिंपल सी इक्वेशन पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करके दिखा सकता हूँ, दिखाता हूँ, ठीक है। आप उसमें स्टेप्स पकड़ना, मैंने क्या क्या स्टेप करे, ठीक है, और उन स्टेप्स को याद करने की कोशिश करना। याद करने का मैं आपको याद नहीं करवा रहा है ना, रटवा नहीं रहा, पहले आप देखो जरा उसे करते कैसे, फिर मैं आपको उस चीज को प्रूफ करके दिखा दूंगा कि हाँ हम ऐसा क्यों करते हैं। प्रूफ कुछ भी नहीं है, बस मैं ये बताऊंगा कि ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है, जो चीज जनरली किताबों में नहीं होती कि उसे आप ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। तो एक जनरल सी इक्वेशन ले लेता हूँ मैं, मान लो ऐसे ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, ठीक है। लेट्स से दिस इज अ इक्वेशन, ठीक है, ये कोई इक्वेशन है ना, मुझे इसे सॉल्व करना है, सॉल्व करके मुझे इक्वल टू 0 है, सॉल्व करके मुझे x की वैल्यू लानी है या फिर मान लो फैक्टर बनाना है, ठीक है। यहाँ तो x की वैल्यू लानी है, फैक्टर बनाना है, बात सही है, ठीक है। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, बाय यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। अगर आप देखो, मैं आपको पहले आंसर बता देता हूँ इसका, ठीक है, फिर मैं उससे करूंगा। इसका आंसर आना चाहिए, देखो जो मैं चार से गुणा करूंगा तो चार माइनस एक बनेगा, तो एक आंसर आएगा माइनस चार, एक आएगा प्लस वन, ये दो आंसर आने चाहिए, ठीक है। माइनस माइनस चार और प्लस वन एक्स की वैल्यू में, ठीक है। आप ये सॉल्व करके देख सकते हो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, ये आंसर आने वाले, हाँ, ठीक है। तो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस विद यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। स्टेप्स देखना, फर्स्ट स्टेप जो इक्वेशन लिखी है उसको एज इट इज लिख दो, ठीक है, लिख दिया। नाउ बीच वाले जो टर्म है ना, बीच वाले टर्म, उस बीच वाले टर्म में जो x का कोफिशियंट है, ठीक है, x का कोफिशियंट विच इज दिस 3, ठीक है। इस 3 का क्या करो आप, इस 3 का आप ये करो कि इसको हाफ करो, ठीक है, 3 को हाफ करो। तो 3 को हाफ कैसे करते हैं, दैट इज 3/2, ठीक है, कर दिया 3 का हाफ कर दिया। अब इस चीज का स्क्वायर करो, ठीक है, पूरे का, है ना, पहले बीच वाले कोफिशियंट को हाफ करो, उसका स्क्वायर करो, ठीक है। अब उस वो जो चीज करी ना, वो यहां पर ऐड भी करो, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट भी करो, ठीक है। अलग डिफरेंट कलर से लिखा मैंने ताकि आपको याद रहे कि हमने इसमें स्पेशल क्या करा था, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने ऐड भी करा और सब्ट्रैक्ट भी करा, क्या चीज को, इसके हाफ के स्क्वायर, अंडरस्टूड, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में कुछ भी मत देखो, केवल ये टर्म फर्स्ट वाली, ये टर्म सेकंड वाली, एंड प्लस वाली ये जो आपने ऐड करी, ठीक है। वैसे आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से फर्क नहीं पड़ा, आपको पता है, जैसे मैं किसी इक्वेशन के अंदर प्लस 2 और माइनस 2 कर दूं तो है तो अल्टीमेटली ये 0, तो किसी इक्वेशन में 0 ऐड करने का फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली मैंने यहां पर सेम चीज को ऐड करा और सेम चीज को माइनस करा, तो उससे क्या होगा, मेरे पास अल्टीमेटली 0 ही ऐड हुआ, और 0 ऐड करने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। ओके, तो मैंने उठाई पहले वाली टर्म, दूसरी वाली टर्म और स्क्वायर वाली प्लस वाली टर्म, ठीक है। तो इन तीनों को अगर मैं मिला दूं आपस में तो मेरे को एक चीज मिलेगी, ठीक है, क्या चीज मिलेगी, ये मिलेगा एक्स प्लस 3/2 का स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो ये जादू से नहीं आया, आपको दिखाता हूं तरीके से क्या है ये बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो तो ये पूरा होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुला हुआ रखा है और मैंने उसे बंद कर दिया। मैं आपको इसे खोल के दिखाता हूँ, इसको मैं खोल के दिखाता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको पता चल जाए कि ये चीज और ये तीन चीज यही लिखा है, ठीक है। तो ये रहेगा एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, स्क्वायर है प्लस क्या होता है 2ab, तो 2a इंटू बी 3/2, और 2 से 2 कटेगा तो 3x, समझ गए। अब देखो मैच करो, एक्स स्क्वायर 3x और 3/2 स्क्वायर, ये कट जाएगा, ये x है, ठीक है, x इंटू 3 3x, तो समय 3x, ठीक है। तो मैच कर लो, एक्स स्क्वायर 3x और 3/2 स्क्वायर, प्लस में
आ गया। अब मुझे कैसे पता कि ये चीज ये आएगी, मुझे कैसे पता कि यही वाला फॉर्मूला बनेगा? देखो ऐसे कोई याद नहीं है मुझे भी, ना किसी को होता, पता ऐसे चलता है कि अगर यहां पर प्लस का साइन है तो यहां प्लस आएगा, ये एक्स है तो यहां एक्स आएगा, अगर यहां वाई होता तो यहां वाई आता, ओके, और यहां पर 3/2 है तो यहां पर 3/2, ऐसे कैच करना होता है ना इक्वेशन को देख के वैल्यूज को, और हमेशा हम प्लस वाला उठाते हैं, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा कि क्या यार ये याद हो रहा है ना, याद नहीं करना है, आप बस स्टेप्स देखते रहो, फिर मैं आपको इस चीज को प्रूव भी करवा दूंगा तो आपको और क्लियर होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कैसे अप्लाई करना है। अब ये तीन टर्म तो गई है ना, ये तीन टर्म तो गई, एक दो तीन बची, क्या दो टर्म, तो उनको एज इट इज लिख लो और इसको स्क्वायर में खोल दो। मैंने इसे क्यों खोला स्क्वायर में, क्योंकि जरूरत ही नहीं थी, खोल के लिख लो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, जरूरत नहीं थी हमें, इसलिए नहीं लिखा। इक्वल्स टू जीरो, नाउ एक्स प्लस 3/2 स्क्वायर, ठीक है, और एक काम करो इसका एलसीएम ले लो, ठीक है, तो जाएगा 16 4 6 16, ठीक है, 16 प्लस 9 25, तो हो जाएगा माइनस का 25/4 इक्वल्स टू जीरो। नेक्स्ट इज एक्स प्लस 3/2 है ना, यू ऑल नो ये हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप स्क्वायर, नेक्स्ट स्टेप स्क्वायर अटैक उधर रूट लगाना, तो आपको पता ही होगा कि जब स्क्वायर अटैक के रूट लगाया जाता है तो वैल्यू प्लस और माइनस में आती है, तो ये आएगा अंडर रूट 25/4, ठीक है, 25/4 प्लस एंड माइनस, प्लस और माइनस दोनों में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैंने कही रूटिंग बोथ साइड, ठीक है, और रूटिंग बोथ साइड का मतलब यह है कि जो चीज इसको सॉल्व करके आएगी, इसे सॉल्व करके क्या आएगा मैं आपको दिखाता हूँ, आएगा एक्स प्लस 3/2 इक्वल्स टू प्लस और माइनस 5/2, ठीक है, 5/2, क्योंकि 25 जो है 5 का स्क्वायर होता है, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो माइनस 5 का स्क्वायर भी 25 होता है और 5 का स्क्वायर भी 25 होता है, सिमिलरली माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, दैट्स व्हाई इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता है, हमें नहीं पता कौन सा वाला यहाँ पर है, ठीक है, तो हम दोनों ही लेके चलेंगे कंडीशन। नेक्स्ट स्टेप में इसको साइड भेजो, तो बनेगा 5 प्लस माइनस 5/2 माइनस 3/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक बार प्लस वाला मान लो, एक बार माइनस वाला, दो वैल्यूज आएंगे, ठीक है, जैसे प्लस वाला माना तो ये बनेगी इक्वेशन, और जब माइनस वाला माना तो इक्वेशन कुछ ये बनेगी, जब मैं प्लस वाला सॉल्व करूंगा तो 2/2 दैट इज इक्वल टू 1, देखो एक वैल्यू आ गई, ठीक है, और यहां पर आएगी x इक्वल टू -8/2 दैट इज इक्वल टू -4, देखो आ गई सेम वैल्यूज, मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये वैल्यू आएगी। अच्छा सवाल यहाँ उठता है कि भैया जरूरत ही क्या है इस चीज की, मतलब अगर हम इस चीज को मिड एंड रेटिंग से डायरेक्ट आंसर बता सकते थे, अगर मैं और कोई भी समझदार आदमी एक बार इसे देख के डायरेक्ट आंसर बता सकता है तो क्यों इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करनी है अपने को, ठीक है, तो बात लंबी चौड़ी कैलकुलेशन की नहीं है, बात है सारी कैलकुलेशन को यूनिवर्सली सॉल्व करना, यूनिवर्सली सॉल्व करने का मतलब है हर कैलकुलेशन को सॉल्व करना, हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की पॉसिबिलिटी, मिड एंड टर्म रेटिंग से हर इक्वेशन को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब आप सोचोगे कि कैसे नहीं कर सकते भी? तो आप लोग इसे पहली बात उतार दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और स्टेप्स को ध्यान रखना कि कैसे करते हैं, ठीक है ना। हम आपको एक इक्वेशन देता है ना, अगर आपको ऐसा लगता है कि सारी इक्वेशन सॉल्व हो सकती है मिड एंड टर्म रेटिंग से, तो एक इक्वेशन देता हूं सॉल्व करके दिखा दो, ठीक है, मैं भी ऐसे चैलेंज नहीं कर रहा, बट हाँ ये वाली बात है कि सॉल्व नहीं होती है ऐसी इक्वेशंस, तो उसके लिए ही ये मेथड बनाया गया है। क्या बना रहा हूँ देखो, मैं खुद बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसे कुछ प्लस, ठीक है, अब इसको मिड एंड टर्म रेटिंग सॉल्व कर दो, ठीक है, तो इसे सॉल्व नहीं कर सकते हम लोग मिड एंड टर्म रेटिंग से, इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, बट क्योंकि मुझे वो मेथड आता है तो मैं आगे कर सकता हूँ, जिस जिसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आता है वो इस इक्वेशन को सॉल्व आराम से कर सकता है। आपको भी सिखाता हूँ, आपसे भी हो जाएगा, आपसे मिड एंड टर्म रेटिंग लगाने की कोशिश करो, आपसे नहीं होगा, आपको उस फ्रैक्शन में सोचना पड़ेगा, समझ लो कुछ फ्रैक्शन में आपको सोचना पड़ जाएगा, तब जाके आप सॉल्व कर पाओगे। अच्छा तो क्या करें फिर, मिड एंड टर्म से कर दे, हाँ मिड एंड टर्म से करना पड़ेगा, अच्छा मिड एंड टर्म से करने का इसे, चलो इसे मैं करता हूँ, बट इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्यों वहां पर ऐड करा था, ठीक है, मैंने क्या चीज ऐड करी थी, आप अगर मेमोराइज करने की कोशिश करो, थोड़ा सा रिमेंबर करने की कोशिश करो, तो मैंने क्या करा था, बीच वाली जो टर्म थी एक्स की कोफिशिएंट वाली, उसको करा मैंने हाफ, उसका करा मैंने स्क्वायर, और कर दिया मैंने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, मेरे पास कुछ फॉर्म कुछ ब्रैकेट बना, उस ब्रैकेट को मैंने एक तरफ रखा, बाकी कॉन्स्टेंट वैल्यू को मैंने दूसरी तरफ भेजा, स्क्वायर स्क्वायर हटाया तो मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब मैंने उसे सॉल्व कर लिया, ठीक है। नाउ
मैं आपको दिखाता हूँ ऐसा क्यों करते हैं। क्या आपको पता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली एरिया होता है, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली एरिया होता है। आप अगर ध्यान से सोचो, ठीक है, तो कोई इक्वेशन लिखता हूँ, जस्ट लाइक जो मैं इक्वेशन लिखता हूँ, मान लो ये इक्वेशन लिखी, मान लो मैंने, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, मैंने कोई इक्वेशन लिखी, ठीक है। अच्छा, इसमें कॉन्स्टेंट मैंने लिखा है, मान लो जीरो होगा, ठीक है, वैसे लिख सकते हैं लेकिन मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहता, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स मान लो मैंने ऐसा ले लिया। अभी पता क्या लिखा है? दिस इज बेसिकली एरिया। अगर आप ध्यान से देखो और सोचो तो आपको पता होना चाहिए कि एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है ना, पता है ना, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है एक रेक्टेंगल का एरिया। एक रेक्टेंगल का मैंने बनाया, ठीक है, तो इस रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, अगर इसकी लेंथ एक्स है और ये वाई है, लेंथ वाई है, ब्रेथ इसकी एक्स है, तो इसका एरिया होगा वाई इंटू एक्स, सिंपल, ये तो होता है। अच्छा, अगर वहां पर आप देखो तो वहां पर लिखा है एक्स इंटू एक्स, इसका मतलब ये स्क्वायर रहा होगा, एक्स इंटू एक्स मतलब ये स्क्वायर रहा होगा, ये स्क्वायर का एरिया है, प्लस फोर इंटू एक्स, दैट मीन्स इसकी लेंथ या ब्रेथ में से कोई एक चीज फोर होगी और इसकी लेंथ या ब्रेथ जो बच गई वो वाली साइड क्या होगी, एक्स होगी। तो इसका मतलब दो रेक्टेंगल्स को का एडिशन है ये, हाँ एग्जैक्टली, ये दो रेक्टेंगल्स का एडिशन है। और हमेशा जो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की बात करते हैं वो बेसिकली एरिया ही होता है, ठीक है। तो मैं आपको लिख के बना के दिखा देता हूँ कि एक्स स्क्वायर कुछ ऐसा दिखता होगा, मान लो, ठीक है, वो थोड़ा डिजाइन पर मैं जाना है, वो तो हाथों की कलर का दी, ये देखो एक्स एक्स, इसका एरिया कितना आएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिखा है, प्लस फोर इंटू एक्स, ठीक है। तो मैं लेता हूँ, ऐसा लेते हैं, ये वाली साइड लेता हूँ एक्स, ठीक है, और ये लेता हूँ फोर, ठीक है, मान लेता हूँ कि ये फोर है, ये एक्स, ठीक है, मैंने मान लिया, ठीक है, ये वाला एक्स, ये साइड एक्स है, ठीक है। तो फोर इंटू एक्स, फोर एक्स, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, दोनों को मैंने करा ऐड, तो ऐड करने से क्या हुआ, ऐड करने से इन दोनों का एरिया ये आ जाएगा, ठीक है, ऐड करने से मेरे को एरिया ये मिलेगा। अच्छा, ठीक है, समझ गए। अच्छा, इनको कर दो ऐड, चलो कर देते हैं ऐड। ऐड कैसे करूंगा मैं, नेक्स्ट स्टेप में इसी को मैं लिख सकता हूँ कि एक मैं ऐसे करके बॉक्स बनाऊ, ऐसे करके बनाऊ, ठीक है, ऐसे जोड़ दू, ठीक है, और ये वाली साइड को एक्स लिखूंगा, जो एक्स है, एक्स है, मैंने ऐसे जोड़ दिया, ये वाली इतनी साइड कितनी है एक्स, बची कितनी है फोर, तो टोटल कितना हो गया एक्स प्लस फोर, क्या समझे, और ये वाली साइड कितनी x, और ये वाली साइड कितनी x प्लस फोर, सिंपल सिंपल है, अभी तक सिंपल है। अच्छा, ओके, नाउ नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं और, अच्छा, अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं तो इस शेप के अंदर ये यहाँ पर x, यहां तक x है, बचा हुआ आगे का फोर है, ठीक है, मैं यहां पर आपको मार्क कर देता हूँ ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये वाला एरिया फोर है, ये वाला एरिया एक्स है ना, थोड़ा साइज पर मैं जाना वो है ना, मैं स्केल से नहीं बनाता तो इसलिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में एक काम करता हूँ, मैंने इसे जोड़ दिया, अब मैंने इसे पार्टीशन कर देता हूँ, इसके मैं दो पार्टीशन कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे पार्टीशन कर दिया, ठीक है। मैं सब क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ना इसका फैक्टर बनाना है, इसका ना फैक्टर बनाना है मुझे, फैक्टर, ठीक है, और मैं फैक्टर बना नहीं पा रहा, फैक्टर इन द सेंस कि मेरे को दो साइड चाहिए, ये क्या है, दो एरियाज है अलग अलग, मुझे दो अलग अलग साइड चाहिए जिनको मैं इंटू करके एक कंप्लीट टोटल एरिया बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक तो ये हो सकता है कि मैं x प्लस फोर इंटू एक्स बोल दूँ, ठीक है, लेकिन मैं कुछ और अच्छा वे ढूंढ रहा हूँ इसका, तो मैं वही अच्छा वे आपको ढूंढना सिखा रहा हूँ, ठीक है, कैसे करते हैं इस चीज को, ठीक है। ये आपने ऐसे जोड़ दिया और ये मैंने दो हिस्सों में बांट दिया, जैसे मैंने इसे दो हिस्सों में बांटा इक्वल हिस्सों में, ये वाली चीज रहेगी दो और ये रहेगी दो, और अच्छा समझ के बात को। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ते हैं, ये हो गया दो, ये वाला हिस्सा दो और ये वाला हिस्सा दो, ओके, ठीक है, ये कितना है एक्स। अच्छा, ठीक है, तो अगर आप ध्यान से सोचो है ना, ये वाला हिस्सा थोड़ा ध्यान से देखना है, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे इसमें, इक्वल टू एक्स, ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं बना रहा हूं एक बॉक्स एक्स लेंथ का, ये बना मैंने बॉक्स एक्स लेंथ का, यहां से भी एक्स और यहां से कितना, यहां से भी एक्स, ठीक है, ये वाली साइड कितनी है एक्स। अगर मैं इसको उठा लूं, इमेजिन करो इस इतने पोर्शन में मैं उठाऊं और ऐसे लगा दूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये एक्स है,
समझे, इसे ऐसे उठाओ ऐसे लगा दो, इसे उठाओ ऐसे लगा दो, ठीक है। ये साइड कितनी होगी, ये साइड होगी दो, ये साइड कितनी होगी x, समझ पाए। अच्छा जो ये चीज बनी थी ये एज इट इज यहां पर बन रही है, ठीक है, ये दो और ये x, समझ गए, ठीक है। अच्छा क्या डिजाइन समझ गए। अच्छा अगर आप देख पा रहे हो तो मैंने एक अप्रोक्सीमेटली एक स्क्वायर टाइप बना दिया है, बट ये कंप्लीट नहीं है मेरी तरफ से, ठीक है। इसे मैं कंप्लीट स्क्वायर बनाता हूँ, कैसे बनाऊंगा, आपको दिख रहा है क्या, आपको दिख ही रहा होगा कि ये वाली साइड हुई x प्लस टू, ऊपर वाली साइड हुई x प्लस टू, ये भी तो टू है, ठीक है। यहां वाली साइड x प्लस टू नहीं हो पा रही है क्योंकि यहां पर कुछ मिसिंग है, और यहां से भी x प्लस टू नहीं हो पा रही है क्योंकि कुछ मिसिंग है। अगर मैं टू बाई टू का एक बॉक्स इसमें जोड़ दू, टू बाई टू का एक बॉक्स इसमें जोड़ दू, तो क्या होगा, ये भी x by 2 x plus 2 और ये भी x plus 2, ये complete square बनेगा। समझ पाए बात को, है ना, नहीं समझ पाए तो दोबारा एक बार सोच के देखो, ठीक है। ये x plus 2 हो जाएगा अगर मैं यहाँ 2 जोड़ दूं, तो मैं 2 by 2 का एक बॉक्स जोड़ता हूँ, लेकिन अपनी मर्जी से मैं एरिया जोड़ तो सकता ही नहीं, तो मैं काम करता हूँ एरिया जोड़ के और उतना एरिया घटा देता हूँ, तो ठीक है ना, इतना एरिया दिया और उतना एरिया लिया, खत्म कहा नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर कैसे बनाता हूँ, ऐसे करके बनाया, ठीक है, और ये ऐसे, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब इसके अंदर मैं एक टू का काट लेता हूं, तो ये यहां तक आई एम अज्यूमिंग कि यहां तक ये टू है, ठीक है, और ये ऐसे ऐसे और ये ऐसे, ये वाली साइड एक्स प्लस टू कंप्लीट साइड, ये वाली कंप्लीट साइड हुई एक्स प्लस टू कंप्लीट साइड, ये टू है, इतना टू है, ठीक है, और ये वाली x है, तो ये होगी x प्लस टू कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट साइड। नीचे वाली कंप्लीट साइड कितनी हो गई, x प्लस टू, क्योंकि मैंने ये जो जोड़ा है ये मैंने जोड़ा है, ठीक है, और ये जोड़ा है मैंने, इसे मैं अलग कलर से बनाता हूँ, ये हुआ, ठीक है। अब ये टू बाई टू का एक बॉक्स जोड़ दिया मैंने, ठीक है, बाकी सब ऐसे चीज था देख लो, ठीक है, बस मैंने टू बाई टू का एक बॉक्स जोड़ा, ठीक है, तो मेरे को टू बाई टू का बॉक्स माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये मैंने बनाया टू बाई टू का बॉक्स और ये मैंने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसका मतलब मैंने उतना ही एरिया जोड़ा और उतना ही एरिया घटा दिया, समझ गए। अच्छा ये बन गया पूरा, कहानी क्लियर, ठीक है। अब इसका मैं एरिया लिख के दिखाऊं, ये देखो x plus 2 एरिया x plus 2, इसका एरिया हुआ, एरिया इसका हुआ है ना, इसका एरिया x plus 2 into x plus 2 माइनस 2 into 2, देखो x plus 2 into x plus 2 माइनस 2 into 2, ठीक है, यही तो टोटल एरिया हुआ, ठीक है। और ये एरिया कौन सा है, ये एरिया कुल मिलाकर यही तो है, ठीक है, तो मैं इसके इक्वल टू में लिख देता हूं x स्क्वायर प्लस 4x, सिंपल, ओके। नाउ x स्क्वायर प्लस 4x इज equals to x plus 2 to the square minus 4, simple clear, मैंने कुछ नहीं करा उसको, बस मैंने ऐसे रिवर्स करा, इसको ये लिखा और इसको ये लिखा, ठीक है। x square plus 4x equals to, अब देखो यहां पर क्या लिखा है, x plus 2 square, ठीक है, और यहां लिखा है 2 4, ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ठीक है। और मैं आपको एक चीज याद दिलाता हूं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है, तो मैंने लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बनेगा a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी, a प्लस बी, तो x प्लस 2 प्लस 2, ठीक है, मैं जान लूँ कि वाला टू ऐसे वाली वाला टू ऐसे लिखा, ठीक है, इनटू x प्लस 2 माइनस 2, ठीक है, ओवरऑल देखते हैं क्या आता है, x प्लस 4 और x, ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस 4x का ये फैक्टर हमने बना दिया, ठीक है, जो कि परफेक्टली सही है क्योंकि अगर मैं यहां से कॉमन लूँ तो भी यही बनेगा, लेकिन मैंने इतनी खिचड़ी पकाई क्यों, देखो आपको मैंने समझाने के लिए ये लिया था, बट अगर मैं आपको कोई ऐसी इक्वेशन दे दूं जिसके आप फैक्टर नहीं बना सकते, जैसा मैंने अभी क्वेश्चन लिखा था आपको याद हो, अब आप कोशिश करो बिना कॉमन बिना ऐसे करे
उसको सॉल्व करने की फैक्टर बनाने की बनेंगे ही नहीं। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा बनेंगे ही नहीं है ना, क्योंकि पहले बात तो मुझे पता है कि मैंने इक्वेशन लिखी थी वो। दूसरी बात ये है कि ऐसी इक्वेशन सॉल्व नहीं होती जल्दी से अगर तुमको इस मेथड से ना करो। मैंने कहा कि आप ध्यान से सोचो, मैंने क्या कहा, मैंने उसी इक्वेशन को तोड़ लिया, तोड़ के दूसरे तरीके से लिखा, उसके अंदर मैंने कुछ चीज ऐड करी, कुछ चीज सब्ट्रैक्ट करी, फाइनली मैंने एक ऐसा अपने लिए कन्वीनियंट सा एक वे ढूंढ लिया जिससे कि मैं उसे सॉल्व कर सकता हूँ, जो कि मेरे लिए ये था, ये वे लाना था मुझे, ये लाना था, ये चीज मैंने लिख दी ना, ये लेके आना था मुझे, सही है। अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करा था, मैं मार्क करता हूँ आप देखते रहना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैंने पहले तो उसको हाफ करा, देखो मैंने हाफ करा, बीच वाले टर्म मैंने, बीच वाले टर्म का कोएफिशिएंट है, उस कोएफिशिएंट को देखो मैंने हाफ करा, वही वहां पर भी करा था, करा हाफ, ओके। नाउ मैंने क्या करा था उसके बाद, उसके स्क्वायर को ऐड भी करा और सब्ट्रैक्ट भी करा, स्क्वायर नहीं ऐड सब्ट्रैक्ट करा था मैंने, मैंने बेसिकली एरिया ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया था, तो मैंने वही करा, देखो यहां पर खाली पड़ा था तो मैंने एरिया को ऐड करा और एरिया को सब्ट्रैक्ट करा, ठीक है, उससे क्या बना मेरा इक्वेशन बन गया, हमने सॉल्व कर लिया, एज सिंपल एज दैट। जितना सिंपली सोचोगे उतना सिंपली ये आपको समझ में आएगा, अगर आप सोचोगे बहुत बड़ा है, ठीक है, तो मैं आपको एक अच्छी बात उसके बारे में बताता हूं, एग्जाम में तो नहीं आते, ये बस मैं समझा रहा हूं ताकि आप लोग इस चीज से डरो ना, इस चीज को याद ना करो कि ऐसे करते हैं, स्टेप ऐसे करते हैं, जैसे आपको दिमाग में ना आए इस चीज को रिमेंबर करो कि हाँ ऐसे ऐसे सॉल्व करते हैं, ऐसे ऐसे इस तरीके से होता है, कुछ रटना नहीं है, ठीक है, मैथ है, मैथ रटने वाली चीज नहीं होती। खैर तो हमने सॉल्व कर लिया, हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, हमने कोफिशिएंट को फाइंड, सॉरी फैक्टर्स को फाइंड आउट कर लिया, अब हम यहां से वैल्यू निकालेंगे तो इक्वेट कर देंगे जीरो से, सिंपल, ओके। तो ना थोड़ा सा नीचे बड़ा होगा, ठीक है, तो मैं बस एक क्वेश्चन और लेता हूँ और फिर हम खत्म करते हैं, ठीक है, चलो। तो ये मेथड आप जरूर उतार लेना, मैं तो ये बोलूंगा कि मेथड आप जरूर उतार लेना वीडियो पॉज करके, और सही कोशिश करना समझने की जो मैंने समझाया, ओके। नाउ मैं वही वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ जो आपको मैंने अभी बोला था स्टार्टिंग, ठीक है, ठीक। क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस वन, ये था, यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस था, ठीक है, अच्छा इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, कोशिश कर लो इसके फैक्टर बनाने की, नहीं बनाने है, ठीक है, मैं करता हूँ इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, ठीक है, फर्स्ट टाइम फर्स्ट काम सबसे पहला काम, बाकी सब कुछ एज इट इज, ठीक है, जो बीच वाली टर्म है उसका हाफ करो, ठीक है, हाफ करा, साइड पर कर लो, कोई जरूरत नहीं है ऐसे डायरेक्टली दिमाग में करने की, लिख के करो, लिख के करो जैसे बच्चे करते हैं वैसे करो ताकि आपको क्लियर हो, इस वाले को हाफ करो, उस हाफ का स्क्वायर करो और उस स्क्वायर को ऐड भी करो और सब्ट्रैक्ट भी करो। अगर आप समझ पाए तो मैंने वही स्टेप करा कि साइड में जो मेरी छोटी सी जगह दो वो बन रहे थे, ठीक है, यहां पर आप तीन मान लो, तो इसको तो अलग ही लेके चल रहे हैं हम, इसको तो छेड़ ही नहीं रखा हम बस इसी में खेल रहे हैं, तो पहले वाले को एज इट इज रखा, दूसरे वाले का जो लेंथ था उसको मैंने हाफ करके स्क्वायर करके मतलब कि दो डब्बे जोड़े हैं, ऐसा इमेजिन करो, ठीक है, ऐसा करा। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या क्या बताया था, क्या क्या उठाना है, ये टर्म और प्लस वाले टर्म, हमेशा यही उठानी है, हमेशा फॉर्मूला होता है, ठीक है, देखो अरे ऐसा फॉर्मूला कौन सा बनेगा, देखो आप मुझे लिख सकते हो आप कि x माइनस थ्री बाई टू का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक, नहीं तसल्ली होती तो आप इसे खोल के देखो, ठीक है, आप इसे खोल के देखो, फिर आप अपने आप इसमें मास्टर हो जाओगे कि अच्छा है तो ऐसे बन जाता है, ठीक है, ये वाला थ्री बाई टू मैंने ऐसे देख के लिखा, प्लस वाली ही उठानी है, ज्यादा माइनस वाली नहीं उठानी है, क्योंकि किसी भी ए प्लस बी या ए माइनस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूले में माइनस बी स्क्वायर नहीं आता, प्लस आता है दोनों में, ठीक है, तो ये हो गया प्लस वाली उठानी है, यहाँ पर माइनस दिख रहा है इसका मतलब तीसरी वाली टर्म माइनस होगी, तीसरी माइनस मतलब ए माइनस बी, तो ए माइनस बी और ना ए क्या है एक्स, तो उठ गया प्लस प्लस वन माइनस थ्री बाई टू नाइन बाय फोर इक्वल्स जीरो, ओके। नाउ एक्स माइनस थ्री बाय टू टू द स्क्वायर एलसीएम ले लो प्लस फाइव माइनस नाइन बाय सॉरी फोर माइनस नाइन इक्वल जीरो एक्स माइनस थ्री बाय टू टू द स्क्वायर इक्वल्स टू कितना जाएगा माइनस फाइव बाय फोर, तो उधर जाएगा फाइव बाय फोर, ठीक है, और आगे सफर तो सॉल्व करते फटाफट, तो एक्स माइनस थ्री बाय टू स्क्वायर आगे तो रूट ले लेगा तो इट विल बिकम प्लस माइनस अंडर रूट फाइव बाय फोर, ठीक है, फाइव बाय फोर, ठीक है, अच्छा प्लस माइनस अंडर रूट फाइव बाय टू,
क्योंकि फोर फाइव तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है बट फोर तो होता है ठीक है. तो एक्स माइनस थ्री बाय टू इक्वल्स टू एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट फाइव बाय टू प्लस थ्री बाय टू एक्स इक्वल्स टू एक बार प्लस का एक बार माइनस का. तो एक बार जैसे मैं प्लस कर लूंगा तो ये बनेगा प्लस फाइव प्लस थ्री बाय टू बाय टू ठीक है. और एलसीएम लेने पे थोड़ा सीधा करके दिख रहा हूँ एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू थ्री प्लस रूट फाइव बाय टू. क्या आप इस फैक्टर को सोच सकते थे? नहीं सोच सकते थे, दैट्स व्हाई हमें ये जरूरत पड़ी. अब नेक्स्ट वाला एंड एक्स इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट फाइव बाय टू प्लस थ्री बाय टू इक्वल्स टू थोड़ा ऐसे लिख रहा हूँ एलसीएम लेके थ्री माइनस अंडर रूट फाइव बाय टू ठीक है. आप इन दोनों फैक्टर्स को सोच ही नहीं सकते थे ठीक है. तो इन फैक्टर्स को क्योंकि कोई भी नहीं सोच सकता यार, मतलब क्या सोच सकते हैं अंडर रूट के अंदर कि अंडर रूट में फाइव ही आ रहा होगा फोर ही आ रहा होगा. हाँ अगर आप बहुत ज्यादा तेज हो तो आप तो सोच सकते हो, लेकिन सब बहुत ज्यादा तेज नहीं होते तो हमें मेथड यूज करना पड़ता है और ये इजी भी है. अब आप खुद ही अंदर लगा लो कि ऐसे कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर्स के लिए हम कौन सा प्रेफर करेंगे. ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि हम सोचते रहेंगे कि कौन सा फैक्टर कौन सा फैक्टर कौन सा फैक्टर ठीक है. हम ऑब्वियसली ये वाला टर्म ये वाला चीज है हमको हम यूज करेंगे फिर इंटरेस्टेड है. सो लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं ठीक है. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.